मां काली के पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह भी ये खबर सभी टेलीविजन चैनल्स पर छाई रही। अब टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा ने के विवादित बयान पर ममता बनर्जी ने नसीहत दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है, सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए। ममता ने कहा कामकाज के दौरान कई बार गलती हो जाती है, लेकिन नकारात्मक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आपको बता दें महुआ मल्होत्रा एक कार्यक्रम में कह चुकी थी कि मां काली के कई रूप हैं। काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है, जिसके बाद से यह विवाद और भी गहराता जा रहा है। इधर नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को लेकर हमदर्दी दिखाना डीएसपी को भारी पड़ गया है। आपको बता दें डीएसपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चिश्ती को बचाने के लिए टिप्स देते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी संदीप सारस्वत को हटा दिया गया है। वीडियो में चिश्ती के साथ चल रहे पुलिसकर्मी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसमें वो कह रहा है कि वीडियो बनाते समय कौन सा नशा कर रखा था। इसके साथ ही डीएसपी संदीप सारस्वत सलमान चिश्ती के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि तुम बोलना कि धमकी देते वक्त नशे में था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। वहीं ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। जुबैर पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। इस बीच जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इसमें जुबैर ने कहा कि इंटरनेट पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी के नेता स्वप्न मांझी और उनके दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। एक साथ तीन हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वारदात भीड़ भरे इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार मांझी समेत तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। हमला आज सुबह करीब 9 बजे दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग में हुआ। मांझी अपने दो साथियों के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उन्हें रोका और अंधाधुंध गोलियां दागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 1,00,000 छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता मौजूद है। इसके बाद पीएम ने शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस समारोह में पीएम ने कहा कि ये समागम आज ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम ने कहा ये देश में मेधा की कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी शिक्षा नीति बनाकर रख दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ही माने जाने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा को 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है, सिर्फ डिग्री धारक युवा तैयार न करें। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र का दूसरा सबसे अहम और बड़ा निगम है। एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। भारत को G20 देशों के अध्यक्ष का पद मिलने वाला है, ऐसे में उसके लिए एक पूर्णकालिक शेरपा की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक G20 को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बैठकों के लिए बहुत वक्त चाहिए और पीयूष गोयल इतना समय देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां हैं। गोयल के पास वाणिज्य उद्योग मंत्रालय FTA WTO काफेड टेक्सटाइल जैसी अहम जिम्मेदारियां हैं। अमिताभ कांत लगभग 6 साल तक नीति आयोग के सीईओ रहे और पिछले महीने उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार दूल्हा बने हैं। आज उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल ने पिता की और राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। 32 साल की गुरप्रीत भगवंत से 16 साल छोटी हैं। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। भगवंत की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में तलाक लिया था और पहली शादी से मान के 2 बच्चे हैं और वो माँ के साथ अमेरिका में रहते हैं। देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या बुधवार के मुकाबले 2,771 ज्यादा है। एक दिन पहले 16,159 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 35 लोगों की जान गई, जबकि एक दिन पहले 28 लोगों की कोरोना ने जान ली थी। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक शहर में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने महाराष्ट्र में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का स्तर बढ़ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा और हालात को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में पिछले कई दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है। उडुपी जिले में भारी बारिश के बीच IMD ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश के चलते दक्षिण कन्नड़ जिले में हुए भूस्खलन में आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। हादसे में घायल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि NDRF और SDRF की तैनाती की गई है। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये इस्तीफों का दौर कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो गया था, जो अंत हुआ बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के साथ। पहले ही उन पर दबाव बढ़ रहा था इस्तीफे का, और आखिरकार जब उनके साथियों ने एक एक करके इस्तीफा देना शुरू किया, आखिरकार बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना ही पड़ा। आपको बताएं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया। और अपने संबोधन में जॉनसन ने कहा कि इस पद को छोड़ते हुए वे बेहद दुखी हैं। जॉनसन ने कहा कि नए नेता को चुनने की प्रक्रिया अब शुरू हो जानी चाहिए और इसका टाइम टेबल अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। जॉनसन ने कहा कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुना जाता, तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। जॉनसन ने कहा कि जो भी नया नेता होगा वो उसे अपना पूरा समर्थन देंगे। सवाल उठता है कि आखिर क्यों बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इसकी शुरुआत होती है सांसद क्रिस पिंचर की डिप्टी चीफ व्हिप बनाने से। दरअसल पिंचर को व्हिप बनाने के कुछ ही दिन बाद मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद क्रिस पिंचर ने लंदन के एक प्राइवेट क्लब में 2 मर्दों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ। इस रिपोर्ट के बाद पिंचर को इस्तीफा देना पड़ा, मगर कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटेन की मीडिया में ऐसी और भी रिपोर्ट सामने आ गई। पिंचर पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार से जुड़े कम से कम 6 और मामले सामने आ गए। पिंचर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने माफी भी मांगी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि एक दागदार नेता को जॉनसन ने क्यों व्हिप बनाया। पहले तो बोरिस जॉनसन ने पिंचर पर लगे आरोपों की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी जानकारी होने की बात स्वीकारी और माफी भी मांगी।
उन्होंने माना कि पिंचर को व्हिप नियुक्त करना एक बड़ी गलती थी, लेकिन मंत्री और सांसद इससे नहीं माने और पिछले दो दिनों में बोरिस जॉनसन, आपको बताएं कि और उनके अलावा जो कैबिनेट के कई और मंत्री थे और उनके सांसद उनके खिलाफ हो गए। अब जब जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो नए उम्मीदवार की तलाश भी शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद के लिए मुकाबला होगा और अक्टूबर में पार्टी सम्मेलन में नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया जाएगा। तब तक बोरिस प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कई सांसदों ने कहा है कि बोरिस को पद से जल्द हटाने के प्रयास किए जाएं। अब जब बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे चुके हैं तो पीएम पद के लिए नए चेहरों की तलाश भी शुरू हो चुकी है और इस तलाश में सबसे ऊपर भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम शामिल है। आपको बताएं, ऋषि सुनक के अलावा लिज ट्रस, जेरेमी हंट और नदीम जाहवी का नाम भी शामिल है। तो ब्रिटेन में इस भूचाल को जरा और अच्छे से समझते हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है, पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत। अनिल जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस चर्चा में इंडिया 360 डिग्री की। वैसे बोरिस जॉनसन का जो कार्यकाल था शुरुआत से ही काफी सुर्खियों में रहा, ब्रेग्जिट की इस पूरी प्रक्रिया के समय वो आए थे और उसके बाद कोविड का आना, कोविड के बाद भी पार्टी गेट स्कैंडल उनसे जुड़ गया, कई ऐसे लोगों के नाम को अनदेखा करने का उन पर आरोप लगा जो कि कई विवादों में जुड़े रहे और आखिरकार पिंच पर जाकर उनका ये जो पूरा कार्यकाल था आखिरकार वो समाप्त हुआ उनके इस्तीफे के साथ। अगर हम आपसे समझे बोरिस जॉनसन के इस पूरे कार्यकाल को तो कैसे जाना जाएगा उन्हें? देखिए, बोरिस जॉनसन ने, आपने सही कहा और आपकी पूरी रिपोर्ट में काफ़ी सारी उनके बारे में बातें कही गई हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने क्या है, जब थेरेसा मे के टाइम पे जैसे ब्रेक्सिट वोट हार गए थे तो उसके बाद से ये आए थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने काफ़ी कोशिश करके ब्रेक्सिट को करवा दिया वहाँ से, ब्रेक्सिट से उनकी थोड़ी सी साख बढ़ी आगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इस तरह ट्रंप के स्टाइल की पॉलिसीज का भी इस्तेमाल किया और खास तौर से अभी इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ ज़्यादा हुई है, पिंचर तो एक आइडिया है ही कि उनकी वजह से हुई और उनको उन्होंने अनदेखा किया, उनके जो कृत्य थे जिस तरह के कार्य उन्होंने कर रहे थे, शोषण और ये सब, लेकिन मेन प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है यूके में और पूरे यूरोप में खास तौर से, बट यूके में पहली बार बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, वहाँ पर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, यूक्रेन क्राइसिस के बाद से और भी ज्यादा समस्याएं लोगों के सामने आ गई। तो ऐसे में जो उनके दूसरे मंत्री हैं वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर के यूके अपनी हद से ज्यादा आगे जा करके यूक्रेन के अंदर अपने आप की जो रिसोर्सेज हैं उसको लगा रहा है और इन सबसे भी पॉलिसीज में मैं समझता हूँ कि लोगों में एक तरह से जो उनके कुलीग्स थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का जरूर रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के प्लस सबसे ज्यादा आप देख सकती हैं कि जब पहली बार भी किसी तरह से वो पास कर गए अपना नो कॉन्फिडेंस वोट, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस वोट पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिकली सब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे जो आप कर रहे हैं, और उन्होंने वही कोशिश की, सोचा कि अब पास हो गया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो एक के बाद एक गलतियां होती रही उनसे और उसके चलते ये देख रहे हैं हम कि आज उनको उनके जो खास जो पॉलिटिशियन फ्रेंड्स हैं, खासतौर से चांसलर कहिए, ऋषि सुनाक का नाम आपने लिया, या हेल्थ सेक्रेटरी कहिए, या और डिफरेंट 46 मिनिस्टर जो हाईएस्ट नंबर उन्होंने उनको छोड़ के चले गए दो तीन दिन के अंदर ही, 179 टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से, तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को उनके, तो इसीलिए अगर लोग कह रहे हैं कि जल्दी इनको छोड़ा जाए तो एक 1922 करके कमेटी होती है इनके पार्टी में कंजर्वेटिव, अब वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से किया जाए, लेकिन तब तक बोरिस जॉनसन रहेंगे प्रधानमंत्री लेकिन एक डेसिमेटेड फॉर्म में रहेंगे, ये आप जानती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब लोगों का नहीं होता है, उनके कुलीग्स का नहीं, उनकी पार्टी का नहीं, तो अपोजिशन भी उसका पूरा फायदा उठाता है। तो ये सारी जो सिचुएशन वक्त हम देख रहे हैं वो काफी गंभीर समस्या है, लेकिन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में ये सब होता ही रहता है।
बिल्कुल, ये पॉलिटिकल टर्मोइल लेकिन पूरे ब्रिटेन के लिए कितना बड़ा संकट लेकर आ सकता है, जैसा अनिल जी आपने भी जिक्र किया अपने इस चर्चा में, शुरुआती चर्चा में, क्योंकि ब्रिटेन भी जबरदस्त इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी रिसेशन का डर इस वक्त सब पर हावी है, तो ऐसे में पॉलिटिकल टर्मोइल किसी कंट्री पर हावी होना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा धक्का साबित हो सकता है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो यूके की इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी ख़राब चल रही है और वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, मेन रीज़न है और जिसके चलते ऋषि सुनाक चांसलर ने रिजिग्नेशन दिया होगा। उन्होंने हालांकि इस बारे में पूरी तरह लिखा नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे मत नहीं मिलते हैं तो ये सब मौका है कि हम निकल जाएं इससे अगर प्रधानमंत्री के साथ नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखिए, पहले आदमी अपने मुल्क को देखता है, जब आपके मुल्क के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ, खासतौर से इकोनॉमिक संकट, आप देखें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे जो यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वक्त है यूरोप में लोएस्ट है और उनकी ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ समझिए आप, रशिया से थोड़ी सी ऊपर है और रशिया इस वक्त दुनिया भर की सारी सैंक्शंस के साथ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी बुरी हालत वहाँ पे है और आगे विंटर्स आने वाली हैं तो और होने वाली है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मैं समझता हूँ कि उनके कुलीग्स ने सोचा होगा कि सिंकिंग शिप के साथ में और इस तरह गलत पॉलिसीज के साथ हम एसोसिएट नहीं करना चाहते, तो ये पॉलिटिकल संकट है। और किस तरह से जो दूसरे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे डोमिनिक राब बने, चाहे सुनाक बने या लिज़ ट्रस बने या और भी कई सारे कंटेंडर्स हैं, किस तरह से ओवरकम करेंगे, पार्टी लीडरशिप लाएंगे, और 2024 में वहां पर जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो अब देखिए वो किस तरह से उसका आगे किस तरह लेबर को फिर से हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन जब देश के अंदर ख़राब होती है तो उसका सबसे बड़ा जो असर होता है आपके वोटर्स के ऊपर होता है और वोटर्स उसमें आपको कब तक साथ देंगे ये देखने की बात है। तो ये वहाँ के लिए एक पॉलिटिकल संकट है और बना रहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि आपने काफ़ी कंटेंडर्स की यहाँ पर बात की, उसमें फ्रंट रनर ऋषि सुनक को माना जा रहा है। अब इसलिए भारत के लिए भी दिलचस्पी के वो केंद्र इसलिए भी, क्योंकि भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऋषि सुनक या फिर कोई और भी कंटेंडर, उनके लिए बोरिस जॉनसन के बाद आना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? बिल्कुल, आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। और ऋषि सुनक आते हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो रिश्तों में ठीक ही है, लेकिन कोई भी आए, चाहे फॉरेन मिनिस्टर, जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी लिज़ ट्रस थी वो भी आई थी भारत में थोड़े दिन पहले, इससे आपने देखा, तो क्योंकि भारत की और उनके रिश्ते यूके के साथ बड़े डिफरेंट लेवल पे हैं और भारत एक अलग ही आयाम पे आया हुआ है इस वक्त, एक अपॉर्चुनिटी है सारी दुनिया के लिए, तो हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह डिस्कस हो रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। सबसे बड़ी उनकी समस्या वहाँ पे, जो भी सरकार आएगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसको किस तरह से वो हैंडल करेंगे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और आखिरी सवाल अनिल जी, कूटनीतिक रिश्तों की अगर बात करें, क्योंकि बोरिस जॉनसन के रिश्ते भारत के साथ भी अच्छे रहे, अभी हाल ही में अप्रैल में वो भारत भी आए थे और काफी सुर्खियां भी उनके इस दौरे ने बटोरी थी, तो भारत के लिए एक नई नए प्रधानमंत्री का वहां पर आना या फिर एक नई सरकार भी अगर आती है तो उसके रिश्ते आप किस हिसाब से, कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य से कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं दूसरी तरह से देखता हूँ इसको, चीज को मैं देखता हूँ कि भारत क्या है। आज भारत का जो एक स्टैंडिंग है दुनिया के अंदर में वो बड़ी अलग है, और यूके अगर ब्रेक्सिट से निकला है तो उसका एक मेन जो उनका आर्गुमेंट था कि हम डायरेक्टली भारत जैसे देशों के साथ में अपने रिश्ते बना सकेंगे, ना कि यूरोपियन यूनियन के अंदर रह करके पूरी तरह से, तो ये उन्होंने कोशिश जरूर की है और ये आगे बढ़ी है, लेकिन तो उस देश का भविष्य कहिए या उनका इंटरेस्ट कहिए, ये भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में है। हमारा तो है ही है, हम तो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं और यूके के साथ हिस्टोरिक रिलेशंस भी हैं हमारे, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं समझता कि जहाँ तक भारत की के साथ रिश्तों की बात है उसमें कोई फर्क आएगा। बट एक चीज़ है सबसे बड़ी कि इस वक्त उस सरकार की जो पहल होगी, उनकी जो मेन पॉलिसीज होंगी, वो उनकी इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, किस तरह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम डे टू डे डिफिकल्टीज लोगों को हो रही हैं, लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 40 साल में वहाँ पे, तो पूरे यूरोप में नहीं, यूके के हिसाब से भी, तो उसको किस तरह से वो ऊपर करेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, जो भी प्रधानमंत्री हों या जो भी गवर्नमेंट पावर में आए।
जी अनिल जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ब्रिटेन की राजनीति में जो भूचाल आया है उस पर हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री में विश्लेषण करने के लिए। आइए अब अगली खबर का हम यहाँ पर रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार अब भी जारी है और ये अपने 134वें दिन पर पहुंच गई है। रूस यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं तो वहीं यूक्रेन भी डटी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अब तक इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी यूक्रेन के शहरों का हो रहा है। मिकोलेव के रिहायशी इलाकों पर उड़ रहे ये आग की लपटें देखी। रूस ने बुधवार को मिकोलेव के रिहायशी इलाकों पर कई रॉकेट बरसाए जिसका नतीजा आपकी स्क्रीन पर है। इस आग पर काबू पाने के लिए बचाव दल के 15 सदस्य और फायर ब्रिगेड के 13 कर्मचारी कई घंटों तक कोशिश करते रहे। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर रूस का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अब जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहाँ आग की लपटें सब कुछ भस्म कर दे रही है और जिन इलाकों को समय रहते बचाया गया वहां का हाल खार्किव और दोनस जैसा होता है। रूसी हमलों ने इन शहरों की तस्वीरों को कुछ ऐसा बदला है कि देखकर लगता ही नहीं है कि यहां कभी कोई रहता था। मंगलवार को रूसी सेना ने डोनबास और स्लोवियांस्क में किए गए ताजा हमलों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ये तस्वीरें स्लोवियांस्क की हैं। मंगलवार को यहां रूसी मिसाइलों ने तबाही मचाई। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि पूरे इलाके पर रूस ने कम से कम 30 रॉकेट दागे और इन रॉकेटों ने स्लोवियांस्क की इमारतों का क्या हाल किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्लोवियांस्क में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे पहले तक पुतिन ने लुहांस्क की जीत का ऐलान किया था लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन ने इस जीत का जश्न मनाने की तैयारी नहीं की और अपने अगले टारगेट की ओर निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच लगातार चल रही इस जंग का दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बमबारी, गोलीबारी चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में तो वहीं हम देख रहे हैं दुनिया भर में गरीबी बम फूट रहा है। अलग अलग जो रिपोर्ट सामने आई है वो क्या कहती है आइए अब आपको दिखाते हैं। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में युद्ध की वजह से गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। इस रिपोर्ट में लिखा है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर के 7.1 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं। जंग के महज 3 महीने में 5.16 करोड़ लोग गरीबी की जद में आ गए। ये लोग सिर्फ 94.82 रुपए में गुजारा करने पर मजबूर हैं। वहीं अतिरिक्त 2 करोड़ लोग गरीब हुए हैं जो 252.86 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं। UNDP के मुताबिक दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा लोग या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या फिर उनके गरीबी रेखा में जाने की आशंका है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध ने कैसे दुनिया भर में गरीबी बढ़ाने का काम किया। इस पर UNDP की रिपोर्ट कहती है कि जितने भी कम आय वाले देश हैं वहां के ज्यादातर परिवार अपनी आय का 42% हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो तेल, गेहूं, चीनी और खाने के तेल जैसे खाद्य उत्पादों के दाम आसमान पर पहुंच गए। यही नहीं, यूक्रेन के पोर्ट बंद होने से कम आय वाले देशों को अनाज नहीं मिल सका जिसके चलते कीमतें बढ़ी और इस वजह से लाखों लोग गरीबी में आ गए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोरोना के मुकाबले युद्ध की वजह से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहां कोरोना के 18 महीनों में 12.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आए तो वहीं युद्ध के महज 3 महीनों में ही ये संख्या 7 करोड़ से ज्यादा थी। इस गरीबी की सबसे ज्यादा मार हैती, अर्जेंटीना, इराक समेत छोटे देशों पर पड़ी है लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि विकासशील और विकसित देश जो है वो युद्ध की मार से बचे हुए हैं। दरअसल दुनिया भर पर युद्ध की वजह से मंदी की तलवार लटकी हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा है कि मंदी की आशंका से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे मंदी की आशंका है। जहां IMF अभी मंदी की आशंका जता रहा है तो वहीं ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने कहा है कि अगले 12 महीनों में मंदी दस्तक देगी।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक नोमुरा होल्डिंग्स ने संभावना जताई है कि अगले 12 महीनों में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूएस के मंदी में जाने की आशंका है। मंदी की आशंका को देखते हुए भारत समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंकों का पहला फोकस महंगाई को काबू में लाना है। और इस चर्चा पर हमारे साथ शामिल हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार। बृंदा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका इंडिया 360 डिग्री की इस चर्चा में। अलग अलग जो रिपोर्ट्स अभी हम देख पा रहे हैं, पहले ही कोरोना की मार से पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं परेशान थी, और उसके बाद अब रूस यूक्रेन का जो ये दंश है वो भी हमें बार बार हमें परेशान कर रहा है। ये जो अलग रिपोर्ट्स मैम आई हैं, इसको अगर एनालाइज किया जाए और आपसे अगर मैं समझूं, जो ये स्लोडाउन की बात, मंदी की बात की जा रही है, इन सारे रिपोर्ट से कितनी ज्यादा आपको विजिबल नजर आ रही है? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, जो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं यूएनडीपी के, नोमुरा के, रॉयटर्स के, सब के, और सारे इकोनॉमिस्ट, सब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि मंदी अभी बस बहुत दूर नहीं है, दुनिया भर में मंदी दूर नहीं है। सबसे पहले ये जो युद्ध चल रहा है, सबसे पहले इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट तो ह्यूमैनिटी पर है, उसके बाद पर्यावरण पर है, और हम ये इनकार नहीं कर सकते उसके बाद अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट है, और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी तरह इसका चपेट है। पहले तो कोरोना के बाद वेरी स्लोली पूरी विश्व भर में अर्थव्यवस्था एकदम कहीं 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 जाकर स्टेबलाइज होने पर आ रही थी कि ये युद्ध आ गया। अभी इस युद्ध में क्या है, जो यूक्रेन और रशिया, ये जो रीजन है, ये यूरोप का फूड बास्केट है। अबाउट 40% ऑफ वीट यहाँ से जाता है, वीट इन कॉर्न, सब यहाँ से जो फूड बास्केट है। तो अभी इस एरिया में हम एकदम सब नष्ट ध्वस्त हो गया है, ना ही एक तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, ऊपर से कुछ सोइंग भी नहीं हुई फ्यूचर के लिए। तो फूड के लिए जो है प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि जरूर होगा, इसलिए दुनिया भर में जो भुखमरी का जो डैगर जो लगा हुआ लटका हुआ तलवार जो लटकी हुई है, ये तो बहुत ही रियल है। सो उसके बाद फर्टिलाइजर प्राइसेस में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी रशिया इज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स, रशिया इज अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। तो इस सब से क्या हो रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर कम हो, एग्रीकल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, एग्रीकल्चर भी इसका इसको अफेक्ट होगा, और प्रोडक्शन भी सारे। सो इसलिए ओवरऑल जो है इकोनॉमी की स्थिति इससे बहुत गंभीर हालत में आ जाएगी। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी यूएस में इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे है, 9-10% हो गया, जो कभी नहीं था, और यूके में भी इन्फ्लेशन 8-9% हो गया है। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए ये तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो बने हुए हैं, तो यहाँ यानी जो प्रोडक्शन है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन देशों को चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स में भी सब पोर्ट्स बंद है, इतना बमबारी हो रही है। तो और तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो सप्लाई चेन्स है वो एकदम टूट गए हैं। तो ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए चिप्स की शॉर्टेज हम देख रहे हैं, और फूड सप्लाईज में भी हम देख रहे हैं शॉर्टेजेस। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिसेशन है वो बहुत ही रियल सिचुएशन पे है। तो कहीं ना कहीं हमें जाके इस स्थिति को एकदम इस समय ही रोकना होगा। इस युद्ध से कोई नहीं जीत रहा, किसी की जीत नहीं हो रही है इस युद्ध से, और इनफैक्ट ह्यूमैनिटी को और अर्थव्यवस्था को इसका बहुत ही बड़ा धक्का लग रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पर रोकने की बहुत जरूरत है, सभी लोग मिलकर के यहाँ पर बात करें और इस युद्ध को जल्द से जल्द रोक दें। एक बात है कि चलो इंडिया अब तक तो बचा हुआ है, लेकिन इंडिया भी क्योंकि हम भी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं देश के साथ, तो इसीलिए हम पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड हैं। तो खाद्य पदार्थ में हम आत्मनिर्भर हैं, और ना ही हम आत्मनिर्भर हैं, दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे हमने ये आत्मनिर्भरता प्रोग्राम जब चलाया, तो उससे देखिए वैक्सीन पे जो हमने प्रोड्यूस करके अपने देश में सब कंट्रीमैन को वैक्सीन दे दिया, तो इससे हमने हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखा, अर्थव्यवस्था का ख्याल रखा, और मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पीएलआई स्कीम वगैरह जो बाकी सब है, उससे मैन्युफैक्चरिंग भी अब कई हद तक स्टेबल हो गई है। लेकिन अगर स्थिति दुनिया भर में ऐसे ही चलती रही तो फिर
भारत को भी, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी धक्का लगेगा। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि इतना तो सब तबाह हो गया है। यहाँ पर आप क्योंकि इम्पैक्ट्स और कोशिश की यहाँ पर बात कर रही हैं, आपने बहुत ही खूबसूरती से एनालिसिस किया इस पूरा सिचुएशन का, क्योंकि हर कोई इकोनॉमी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कैसे स्थिति से धीरे धीरे निपटा जाए। अब जैसे आज ही खबर आई, चाइना $220 बिलियन के स्टिमुलस का ऐलान कर सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, जब ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत, अगर उसके इंजन को आगे बढ़ाने के लिए अगर थोड़ा सा फ्यूल की जरूरत है, तो क्या ये स्टिमुलस पैकेज काम करेगा? देखिए, स्टिमुलस पैकेज तब काम करेगा जब डिमांड कम हो और सप्लाई ही नहीं है। अभी स्टिमुलस पैकेज करने से सिर्फ इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो अभी जरूरत इसकी है कि हम अगर स्टिमुलस दें भी तो कैसे दें, इसको बहुत टारगेटेड तरीके से देना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे सर्विसेज में हो, कि हमारी उसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़े। ऐसे अगर स्टिमुलस देते हैं, वेरी टारगेटेड, वेरी सिलेक्टेड स्टिमुलस देते हैं, तब तो इकोनॉमी संभल सकती है। लेकिन सिर्फ स्टिमुलस देके अगर लोगों के हाथ में पैसा देना ही है तो उससे बहुत स्थिति और खराब होगी और इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। बिल्कुल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिंदा जी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि भारत इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन सवाल वही है कब तक, क्या कुछ और मेजर्स लेने की जरूरत है, वो क्या होंगे? हमें तो सतर्क रहना पड़ेगा, बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी और आत्मनिर्भरता पर और ज्यादा हमें निर्भर रहना होगा। लेकिन उसके साथ ही अभी देखिए, भारत का रोल विश्व में इतनी अच्छी है, तो उसको मे बी इंडिया कैन बी अ फैक्टर इन ब्रिंगिंग द वॉरिंग फैक्शंस टुगेदर, और फिर उससे बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। और कोई रास्ता नहीं है, बातचीत करके ही हल निकालना होगा, युद्ध से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे बृंदा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, दुनिया भर में जो मंदी की बात की जा रही है, क्या है उसकी हकीकत, उसका विश्लेषण करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको बताएं, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान हीट वेव से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात एकदम जुदा है, वहां पर बाढ़ जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं, अब तक इससे 77 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुके हैं। शेरी रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी है, देश में 14 जून को जब से मानसून ने एंट्री ली है तब से अब तक 77 लोगों की इससे मौत हो चुकी है, जबकि ये मानसून की शुरुआत भर है। ऐसे में बाढ़ पाकिस्तान को और परेशान कर सकती है। और आइए आपको श्रीलंका के आर्थिक संकट से जुड़ी हुई खबर भी बताते हैं। और खबर यह है कि देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है। एक रिपोर्ट बाकायदा सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक राजपक्षे ने व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और उन्हें तेल देने को लेकर अपील की। राजपक्षे ने कहा कि रूस नकदी की कमी से जूझ रहे विपक्षीय देश को ईंधन खरीदने में मदद करें। राजपक्षे ने कहा कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सकारात्मक थी। गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि श्रीलंका पर्यटन, व्यापार और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खास तौर पर खबर घूमने के शौकीनों के लिए, बने रहिए हमारे साथ। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ ₹342 पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी, यू कैन ट्रस्ट।
say innovative companies start in the garage. True story. Hey, Mercedes, show me what you got. Follow me. That's what I call aerodynamics. That's nothing. It's enough for me. Hey, Mercedes, watch out. Those lights are pretty smart. What's that, diamonds? You are thinking small. Pixels? Think bigger. Now that's electric. Come on, it's magic. Nice garage, by the way. घूमने फिरने के शौकीनों के लिए काम की बात है, जरूर सुनिए। जल्द ही कई नई ट्रेनों की सौगात आप सबको मिलने वाली है। दरअसल खबर यह है कि IRCTC जल्द ही भारत गौरव थीम के तहत कई ट्रेनों को लॉन्च करने वाली है। छोटी यात्रा के लिए पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली टूरिज्म ट्रेनें लॉन्च होंगी और सभी पैकेज में किराया 3,000 रुपए प्रतिदिन के आसपास होगा। जरा पूरी डिटेल समझते हैं, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, क्या है ये भारत गौरव थीम और क्या है इसका ये प्लान? बिल्कुल सही कहा स्वाती आपने कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो आपके लिए लगातार अभी ऑफर्स लाने वाली है IRCTC। भारत गौरव जो थीम है IRCTC की, उसका स्पेसिफिक ये कहना है कि जितनी भी भारत में डेस्टिनेशन है ऐसी जो किसी भी ऐसे थीम से जुड़ी हुई, जैसे कि रामायण से जुड़ी हुई, महाभारत से जुड़ी हुई, या फिर किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई, या किसी विशेष मौसम से जुड़ी हुई, उन सबको एक टूर पैकेज के साथ जोड़ दिया जाए ताकि लोगों के लिए वो चीजें एक्सेस करना आसान हो जाए। और इसकी तरफ से सरकार जो IRCTC है वो जल्दी ही कुछ नए ट्रेन लॉन्च करेगी, जैसी हमको जानकारी मिली है। अगर हम और डिटेल्स में जाते हैं तो स्पष्ट ये है कि जैसे सावन का महीना आने वाला है और शिव जी से रिलेटेड जो धार्मिक स्थल है उनको जोड़ते हुए एक नया पैकेज, एक नई ट्रेन चालू कर सकती है IRCTC। साथ ही साथ IRCTC का प्लान जो ये है कि हर रीजन के लिए, यानी कि साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, इनमें जो अलग अलग लोग हैं जो कि छोटी यात्राएं करना चाहते हैं, वीकेंड पे घूमना चाहते हैं, या फिर एक बड़ा पैकेज देके एक पूरा इलाका कवर करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस तरह के ऑफर वो प्लान कर रहे हैं लाने के लिए। और वो सारी जो थीम होगी वो भारत गौरव की होगी। इसके अलावा एक विशेष इसमें एलिमेंट वो जो जोड़ रहे हैं वो ये है कि आजादी के 75 साल जो देश मना रहा है वो आजादी से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उनको जोड़ते हुए भी विशेष ट्रेन जो है IRCTC लॉन्च कर सकती है। और सबसे बड़ी सुविधा लोगों के लिए वो होगी, थर्ड एसी के डिब्बे होंगे जो कि आपकी इकोनॉमी के हिसाब से होंगे और आपकी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए होंगे। और जो किराया स्तर तय किया गया है वो 3,000 रुपए के आसपास होगा, यानी कि आप पूरा दिन घूम सकते हैं और आपकी पूरी यात्रा, आपके खाने पीने, आने जाने, गाइड, टूर पैकेज, ये सबका किराया प्रतिदिन के हिसाब से 3,000 रखा गया, तो जो कि काफी अफोर्डेबल है। और IRCTC को उम्मीद है कि जिस तरह से लोग रामायण सर्किट को, जो ये जो ट्रेन गई थी दिल्ली से नेपाल तक के लिए, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, उसको जैसा इंटरेस्ट शो किया था वही इंटरेस्ट जो है बाकी जो ऑफर है उनको भी शो करेंगे। भारत गौरव थीम के तहत नई ट्रेनों की सौगात बहुत जल्द, जानकारी देने के लिए अमरीश बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बढ़ती महंगाई और साथ ही खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब ये क्या कदम उठाया है आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने गेहूं के बाद अब आटा एक्सपोर्ट पर कड़ा एक्शन लिया है और इसके लिए DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटा, मैदा और सूजी को एक्सपोर्ट करने के पहले IMC यानी कि इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी से इजाजत लेनी होगी। नए नियम 12 जुलाई से लागू होंगे। आपको बताएं कि गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद आटा के एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखा गया। एक अनुमान के मुताबिक गेहूं पर लगे बैन के बाद हर महीने करीब 1,00,000 टन आटा एक्सपोर्ट हो रहा था, जबकि पहले यह आंकड़ा 50,000 टन का था। कोरोना से ग्रसित लोग किसी न किसी परेशानी का जरूर सामना कर रहे हैं। पहले तो खबरें ये सामने आ रही थी कि लॉन्ग कोविड के लक्षण आपको काफी समय तक परेशान कर सकते हैं और अब एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोविड सीधे आपके ब्रेन पर भी अटैक कर सकता है और उस पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। हेलो
दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये रह रहकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। दुनिया भर में ये भी चर्चा है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में बनाया गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा था कि वायरस को फैलाने में एलियन का हाथ है। एलियंस ने गुब्बारे में वायरस भरकर चीन में फेंका था, जिसकी वजह से ये सबसे पहले चीन में फैला, उसके बाद पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस चीन में बना या फिर कहीं और से फैला, ये अलग विषय है, लेकिन कोरोना महामारी ने मानवीय जीवन को खतरे में डाल दिया। अब भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हालांकि संक्रमित होने वाले लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग किसी न किसी अन्य बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है और इसमें कहा गया है कि ये बीमारी के कारण दिमाग डैमेज हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आपके दिमाग की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके थोड़े समय और बहुत लंबे समय तक के लिए न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के शोधकर्ताओं ने उन 9 लोगों में मस्तिष्क परिवर्तन की जांच की जिनकी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अचानक मौत हो गई थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि उन लोगों की एंटीबॉडी वायरस के जवाब में शरीर के इम्यून सिस्टम में पैदा होने वाले प्रोटीन दिमागों की नसों पर हमला कर रहे थे, जिससे दिमाग में सूजन पैदा हो रही थी। यानी शरीर के इम्यून सिस्टम से पैदा होने वाले प्रोटीन ही ब्रेन को डैमेज करते हैं। इस रिसर्च में कहा गया कि एंडोथेलियल सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करते हैं, जो ब्रेन में हानिकारक पदार्थों को पहुंचाने से रोकते हैं, जबकि जरूरी पदार्थों को ब्रेन में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पैदा होने वाले प्रोटीन इसी एंडोथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे प्रोटीन का रिसाव हो सकता है। इससे कोविड-19 के मरीजों में रक्तस्राव और थक्के जम जाते हैं, जिससे स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको दिखाते हैं देश भर में मॉनसून से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर मुंबई में भी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक यूं ही बारिश जारी रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, बारिश से कई इलाके बने समंदर। महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से हो रही बारिश ने मुंबई जैसे शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बारिश ने जहां मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की रफ्तार रोकी, वहीं ऑटो या टैक्सी से ऑफिस जाने वालों को पैदल ही रास्तों पर चलना पड़ा। बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक की सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप रहा। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक राज्य में मानसून के सबसे ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है। इसका सबसे अधिक असर कोकण और मध्य महाराष्ट्र पर पड़ेगा। भारी बारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र में कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण, सतारा, कोल्हापुर में रेड अलर्ट है। रत्नागिरी और रायगढ़ रेड अलर्ट पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं। कुंडलिका नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। अम्बा, सावित्री, पताल गंगा, उल्हास और गढ़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों को भारी बारिश की चेतावनी वाले इलाकों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को खतरे वाले इलाकों से हटाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बारिश में जब मुंबई की रफ्तार थम जाती है तो लोकल ट्रेनें ही मुंबईकरों का सहारा होती है। अब ऐसे समय में जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल है वो कैसे काम करती है, इसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता सौरभ पांडे ने। मुंबई में मॉनसून की शुरुआत हो गई है, ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो रेलवे पर देखा जाता है। आपको बता दें आपकी रेलवे जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और आपकी गाड़ी को सही समय से चलाकर आपको सही स्थान पर पहुंचाने के लिए जो है रेलवे किस तरह से काम करती है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई सेंट्रल के TMS कंट्रोल टावर में, जहां पर रेलवे आपकी जो है सही तरीके से चलती रहे उसका पूरा देखभाल किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो बात कर रहे हैं, वो अपने ट्रेन के मोटरमैन और गार्ड से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह का जो समस्या है उसका समाधान निकाल के आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें इस बड़ी स्क्रीन की, तो आप ये जो LED स्क्रीन देख रहे हैं वो जो है मुंबई का सबर्बन नेटवर्क है जो कि चर्च गेट से विरार तक जाता है। आप ये जो हरी और लाल कलर की जो पट्टियां देख रहे हैं वो ये है कि हरी पट्टियां जो है वो इंडिकेट करता है कि ये जो ट्रैक है वो ट्रैक खाली है, और जो लाल पट्टियाँ हैं वो जो है वो ट्रेन है जो मूव करती रहती हैं समय समय से। आपको बता दें मुंबई में जो है लगभग पर डे 1300 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाती हैं नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ की तरफ, और अगर इसकी राइडरशिप की बात करें वो करीब करीब 35 लाख से अधिक है। आपको बता दें रेलवे जो है पूरी तरह से जो है वो तैयारी में है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो उसका असर जो है उनके नेटवर्क पर देखने को ना मिले और आप जो है सही समय से अपने घर पर और अपने स्थान तक पहुंच सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप शिंदे के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो मॉनसून को देखते हुए पश्चिम रेलवे की भी पूरी तैयारी है और मॉनसून में ट्रेन संचालन को बेहतर बनाने के लिए हर मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, अभी पिछले जो 3-4 दिनों से जो बारिश का स्पेल चल रहा है उसमें हमारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, कोई भी फेल्योर अब तक रिपोर्टेड नहीं है। हमें बताया कि जो हमने जो हमारी लोकेशंस थी जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसको हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया, उसके तहत हमने उन जगहों पर काम भी किया और इसका हमें अच्छा फल मिल रहा है। होपफुली आगे भी सर्विसेज बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रैक्स पे हमने हाई कैपेसिटी पंप्स भी लगाए हैं, 200 के ऊपर पंप्स भी लगाए हैं कि अगर कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है तो वाटर को इमीडिएटली पंप आउट किया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे, उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सात फेरे लिए। चंडीगढ़ में उनके निवास में उन्होंने शादी की, आइए दिखाते हैं उन्हीं की शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको। दूल्हे की देखो शान, शेरवानी में भगवंत मान, लाल जोड़े में सजी मान की दुल्हन। भगवंत मान ने लिए गुरप्रीत कौर संग फेरे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। सीएम आवास पर भगवंत मान ने सिंपल तरीके से शादी की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने शादी में गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी है, तो वहीं गुरप्रीत कौर लाल जोड़े में नजर आई। उन्होंने लाल रंग का लहंगा और सोने के गहने पहने हैं। दूसरी बार दूल्हा बने भगवंत मान सेहरा बांधकर हाथों में तलवार लेकर घर से निकले, उनके साथ राघव चड्ढा भी नजर आए। खबरों की माने तो भगवंत मान शादी के लिए जब वेन्यू पर पहुंचे तो उन्हें दुल्हन की बहनों ने रोक लिया और उनसे शगुन मांगा। दूल्हा बने भगवंत मान ने भी अपनी सालियों को नाराज नहीं किया और उन्हें शगुन दिया। जैसे ही भगवंत मान की दुल्हन गुरप्रीत कौर शादी के वेन्यू की तरफ बढ़ी तो उनके लिए पंजाबी गाना दिन शगना दा बजाया गया, जिसे सुनकर गुरप्रीत शर्मा गईं। भगवंत मान की शादी में शामिल होने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने ही भगवंत मान की शादी में पिता की रस्में निभाई।
पंजाबी रीति रिवाज से शादी संपन्न होने के बाद वहां आए मेहमानों के लिए लजीज खाने और शाम की पार्टी का भी प्रबंध किया गया है, जिसमें कई वीआईपी के शामिल होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको आज के शेयर बाजार का हाल बता दे। मजबूत ग्लोबल संकेतों से आज घरेलू बाजार में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने अच्छा खासा दम दिखाया। डाउ फ्यूचर्स की मजबूती से बाजार को सपोर्ट मिला, साथ ही कच्चे तेल में आई गिरावट ने भी बाजार को सहारा दिया। आज निफ्टी ने सीमित दायरे में कारोबार किया। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली और आखिरी एक घंटे में बाजार में शानदार तेजी दिखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 427 अंक बढ़कर 54,178 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 143 अंक बढ़कर 16,133 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 600 अंकों का उछाल आज देखा गया। आइए अब आपको दिखाते हैं अजब क्रिप्टो की गजब कहानी, कैसे एक एक करके क्रिप्टो ने सबको किया बर्बाद। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए क्रिप्टो से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको भारी भरकम नुकसान हो रहा है। क्या निवेशक, क्या लेंडर्स, क्या एक्सचेंज, सबके सब जो है वो आज के समय में घाटे में हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट और लगातार वॉल्यूम्स की कमी। आप देखिए 1 जुलाई से भारत में क्रिप्टो करेंसी पे TDS लगना शुरू हुआ और उसके बाद देखिए क्रिप्टो के वॉल्यूम जो है उसमें भारी भरकम गिरावट आई है। करीब 98% के आसपास की गिरावट जो है वो क्रिप्टो के वॉल्यूम्स में देखने मिली है। सिर्फ यही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के दाम में जो लगातार गिरावट हुई है उसके वजह से दुनिया भर में क्रिप्टो के वॉल्यूम जो है उसमें लगातार गिरावट जो है वो देखने मिली है। इनफैक्ट US में तो क्रिप्टो के कुछ एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज है FTX US, जिसने कहीं ना कहीं कहा है कि हम तो क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है वो बंद करके इक्विटीज़ में फुल फ्लेज ट्रेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं करने का विचार कर रहे हैं। और काफ़ी सारे फंड्स जो है उनको भी क्रिप्टो में काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। आप देखिए सिंगापुर का एक फंड था, एक हेज फंड था, 3 Arrows Capital, इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। दरअसल आप देखेंगे तो कुछ समय पहले इस 3 Arrows Capital का AUM करीब $10 बिलियन के आसपास था। लूना, USDT जैसे क्रिप्टो जो है उनमें इन्होंने पैसा लगाया था और आपने देखा कि लूना की हालत क्या हुई। 3 महीने पहले 9,400 के आसपास ट्रेड करता था, फिलहाल 1 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही बाकी सारे जो क्रिप्टोज है उनका भी हाल हुआ है। और इस फंड ने तो क्रिप्टो में पैसा लगाने के लिए करीब करीब 5,500 करोड़ के आसपास का फंड यानी कि लोन भी लिया था और उसको अब चुकाने में ये असमर्थ है। इसी तरह से और भी क्रिप्टोज है या फिर क्रिप्टो की कंपनीज है जो कि कहीं ना कहीं बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रही है। और अब इन कंपनियों ने एक नया तरीका भी निकाला है अपने लॉसेस को कम करने का, और वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो में आप क्रिप्टो होल्ड करते या फिर एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करते थे और अगर आप अब इनएक्टिव है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। बाइट्स टाइम देखिए इस क्रिप्टो एक्सचेंज ने ट्रेड नहीं करने पे 1 महीने में 10 यूरोस के आसपास का जुर्माना लगाने का बात किया है। और अगर आप पूरे साल नहीं करते हैं ट्रेड और आपका अकाउंट इनएक्टिव रहता है तो आपको करीब 200 यूरोस के आसपास का जो जुर्माना है वो लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इन कंपनियों ने या फिर इन एक्सचेंजेस ने इन्वेस्टर से पैसा लेना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको खुद को जो है वो भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो आपने देखा क्या फंड्स, क्या निवेशक, क्या लेंडर्स, इन सब के सब को जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जुड़े थे उनको भारी भरकम नुकसान होना जो है वो शुरू हो चुका है।